हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। आज हम देखेंगे कि कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन क्या होते हैं और कैसे हम बच्चों को जो कॉमन नाउन्स हैं, प्रॉपर नाउन्स हैं, आइडेंटिफाई करना सिखा सकते हैं। जब बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं तो उनको नाउन की डेफिनेशन और नाउन क्या होता है वो सिखा दिया जाता है, बट जब बच्चे सेकेंड स्टैंडर्ड में आते हैं तो वो टाइप्स ऑफ नाउन्स और जो प्रोनाउन्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स, ये भी उनको सिखाते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, V1, V2, V3, तो ग्रामर थोड़ा डीप होने लगता है। तो सेकेंड स्टैंडर्ड में कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन पढ़ाया जाता है। आज हम देखेंगे कि इन दोनों की डेफिनेशन क्या है, कैसे हम बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं और कुछ एक्सरसाइजेस जिससे आप उनको थोड़ा और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। सो नाउन के बेसिकली थ्री टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। तो सेकेंड स्टैंडर्ड में बच्चे को प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है ये सिखाया जाता है। डेफिनेशंस भी उनको सिखाए जाते हैं, डेफिनेशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट उससे पहले एक बेसिक आइडिया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, थ्रू एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ। सो प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, वो ये होता है कि किसी भी जगह, जानवर या वस्तु या कोई जो व्यक्ति है उसका जो स्पेसिफिक नाम, विशेष नाम होता है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि एक लड़की है, उस लड़की का नाम क्या है, सीता। तो सीता यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, आइडेंटिटी ऑफ द गर्ल, स्पेसिफिक गर्ल्स नेम। इसी तरह एक जगह है और जगह का नाम क्या है, वो है हैदराबाद, तो हम इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। एक लड़का है जिसका नाम है राजू, एक लड़का राजू जिसका नाम है, तो राजू बनता है प्रॉपर नाउन। इसी तरह एक रिवर है जिसका नाम है कृष्णा, तो हम कहेंगे कृष्णा रिवर, प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि कोई भी नाउन जो किसी एक जाति या वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि लड़की एक वर्ग है मनुष्य में, इसी तरह लड़का एक वर्ग है मनुष्य का, इसी तरह जो हमारे पास जानवर होते हैं उसमें से एक वर्ग होता है डॉग्स का, कुत्तों का, तो डॉग। तो इस तरह से ये कॉमन नाउन के एग्जांपल्स है। मदर, मदर का नाम भी हो सकता है, अगर नाम मेंशन करेंगे तो वो स्पेसिफिक बन जाएगा, अगर हम नाम नहीं मेंशन करेंगे तो वो कॉमन नाउन बन जाएगा। तो कॉमन नाउन के एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, मदर, गर्ल, बॉय, डॉग, सिटी। सिटी एक जगह है, जगह का नाम हमने मेंशन नहीं किया है, सिर्फ सिटी हमने लिखा है, तो ये होता है कॉमन नाउन। अगर मैंने नाम मेंशन किया है तो वो बनेगा प्रॉपर नाउन। तो ये है डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, ये हमने अभी समझ लिया है, बट बच्चों को कैसे समझाएंगे ये अभी हम देखेंगे। सो एक बार ही जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में नाउन का डेफिनेशन सीख ले तो वो इजिली आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये सारे जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो नाउन है। तो अभी के लिए हम कहेंगे ओके, ये नाउन रिलेटेड वर्ड्स हैं, चलो इनके एग्जाम्पल्स आप दे दो। जैसे कि गर्ल एक लड़की है, गर्ल के कुछ नेम्स यहाँ पे लिख दो, जैसे कि सीता या फिर शिल्पा। नेक्स्ट एक लड़का है, उसके भी कुछ नाम आप लिख दो, रमेश, इस तरह से। फिर डॉग, डॉग के पेट्स के भी तो नेम होते हैं जब घर पे हम रखते हैं, टॉमी, इस तरह से टॉमी, या फिर सैम, इस तरह से। सिटी, सिटी एक जगह का नाम है तो हम मुंबई, दिल्ली कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मुंबई, दिल्ली, इस तरह से। बच्चे को एग्जाम्पल लिखने के लिए एनकरेज करिए। कॉन्टिनेंट, स्कूल, स्कूल्स के भी तो नेम्स होते हैं, इन पर्टिकुलर पार्क के भी नेम्स होते हैं। ब्रदर, भाइयों के भी तो नाम होते हैं, सिस्टर्स, इसी तरह फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के भी तो नेम्स होते हैं। तो ये बनते हैं कॉमन नाउन, और जो स्पेसिफिक नेम आप दे रहे हो इन चीजों को, ये बनता है प्रॉपर नाउन। सो कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, इस एग्जाम्पल से बच्चे को बहुत क्लियर हो जाएगा कि किस नाउन को कॉमन कहना है और किस नाउन को प्रॉपर कहना है। सो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां में मैंने लिखा है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन चेंज नहीं होता, सेम एज नाउन ही रहता है, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, किसी भी प्राणी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम, स्पेसिफिक नाम। वेयर एज कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा का जो डेफिनेशन है वो इस तरह से होता है, जनरल नेम ऑफ ए पर्सन, यानी एक कैटेगराइजेशन होता है और उस कैटेगराइजेशन को आप क्या कहते हो, गर्ल, बॉय, सिटी, कॉन्टिनेंट, जैसे मैंने कहा, तो किसी भी प्राणी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु के जाति या वर्ग का नाम, ये याद रखना है यहाँ पर, जाति या वर्ग का नाम, जिसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो अगर आप
वन वर्ड में आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक होता है, विशेष होता है, और कॉमन नाउन जनरल होता है, जहाँ पे जाति और वर्ग का नाम आता है। तो इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। अभी देखते हैं कि बच्चों को किस तरह या फिर किस तरह की एक्सरसाइज आप उनको दे सकते हैं सो दैट आप उनको एक्सप्लेन कर पाएं। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। यहाँ पे बच्चे के साथ बैठकर उनको हेल्प करिए कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन है। सो मुंबई एक सिटी का नाम है, स्पेसिफिक सिटी का नाम है, तो हम डालते हैं यहाँ पर प्रॉपर नाउन जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ट्रेन, ट्रेन के भी तो नेम्स होते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सी ट्रेन, विच ट्रेन, तो ये इन जनरल ट्रेन है ये, तो ये होता है कॉमन नाउन जो है जातिवाचक संज्ञा। जुपिटर, जुपिटर एक प्लैनेट का नाम है, प्लैनेट बनता है कॉमन नाउन, वेयर एज जुपिटर बनेगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम नाम मेंशन कर रहे हैं स्पेसिफिक प्लैनेट का, तो ये बनता है प्रॉपर नाउन जो के है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से एनिमल बनता है कॉमन नाउन, कार, कार की भी तो टाइप्स होती है, इंडिका या फिर सैंट्रो इस तरह से, तो कार बनता है कॉमन नाउन। पिक एनिमल नेम है, स्पेसिफिक एनिमल है, तो ये बनता है प्रॉपर नाउन। इसी तरह से किचन, घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं, रूम्स को हम प्रॉपर नाउन सॉरी कॉमन नाउन कहेंगे, वेयर एज किचन स्पेसिफिक प्लेस का नेम है, तो हम डालेंगे यहाँ पे पी विच इज प्रॉपर नाउन। इंडियन ओशन, ओशन का नेम आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हो, बता रहे हो, तो ये बनता है प्रॉपर नाउन अगेन। इसी तरह से डी मार्ट एक प्लेस का नाम है, तो ये भी बनता है प्रॉपर नाउन। ब्रदर, भाई, ये है कॉमन नाउन, यहाँ पे मैंने नाम मेंशन नहीं किया है, तो ये है कॉमन नाउन। एक जाति या वर्ग एक्सप्लेन करने के लिए हम ब्रदर यूज करते हैं, भाई। इसी तरह से स्कूल, स्कूल के भी तो नेम्स होते हैं, डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, तो ये है कॉमन नाउन। इसी तरह वीक डे, वीक में 7 दिन होते हैं, हर दिन का नाम होता है, तो हमने यहाँ पे नेम स्पेसिफाई नहीं किया है, इसलिए ये है कॉमन नाउन। जाति या वर्ग को जो स्पेसिफाई करता है, यहाँ पे वीक डे है कॉमन नाउन। नेक्स्ट आते हैं एक और एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ पे हम सेंटेंसेस देंगे और बच्चे को आइडेंटिफाई करने के लिए कहेंगे कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन है। माय मॉम एंड डैड लिव्स इन हैदराबाद, मेरे माता पिता हैदराबाद में रहते हैं। तो यहाँ पे मॉम डैड एक वर्ग है जिसको हम कॉमन नाउन कहेंगे, यानी जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से हैदराबाद, ये एक सिटी है, मैंने नाम स्पेसिफाई किया है, तो ये बनता है प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है कॉमन नाउन और ये बनता है प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, दैट गर्ल सिंग्स वेरी वेल, वह लड़की बहुत अच्छा गाती है। तो मैंने यहाँ पे एक वर्ग बताया है लड़की का, यानी एक लड़की है, मैंने नाम नहीं स्पेसिफाई किया है, तो ये है कॉमन नाउन, लड़की यहाँ पे है कॉमन नाउन। नेक्स्ट है राज इज माय ब्रदर, तो यहाँ पे मैंने नाम भी स्पेसिफाई किया है और ब्रदर भी लिखा है, तो ये एक वर्ग है, ये एक नाम है, तो पहले नाम स्पेसिफाई किया है, तो राज बनता है प्रॉपर नाउन। इसी तरह ब्रदर एक वर्ग है, तो ये बनता है कॉमन नाउन। देन द टीचर इज इन द स्कूल, अध्यापक स्कूल में है, तो टीचर, टीचर का भी तो नाम होता है, तो ये स्पेसिफिक नहीं है, तो इसीलिए ये बनता है कॉमन नाउन, और स्कूल का भी मैंने नाम मेंशन नहीं किया है, इसलिए ये भी बनता है कॉमन नाउन। अगर मैं मेंशन करती कौन सी स्कूल और कौन सा टीचर, तो ये प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। तो यहाँ पे है ये एक्सरसाइज, सिंपल सी एक्सरसाइज, जहाँ पे आप बच्चे को कॉमन एंड प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन से पहले आप इस तरह की एक्सरसाइज जरूर करवाइए बच्चे को। सो नाउन पढ़ने के बाद अगर बच्चों को आप फर्दर ग्रामर पढ़ाना चाहते हैं, तो इस वेकेशन में जरूर टाइप्स ऑफ नाउन से स्टार्ट करिए, जहाँ पे आप बच्चे को कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन समझाएंगे। टू स्टार्ट विथ इस एग्जाम्पल से आप जरूर स्टार्ट करिए, फिर उसके बाद आप ये एक्सरसाइज करवाइए, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करना, फिर आप थ्रू सेंटेंसेस जो जनरली उनके सिलेबस में होता है, इस तरह की एक्सरसाइज आप उनके साथ कर सकते हैं। सो ये था आज का टॉपिक, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन कैसे आइडेंटिफाई करना है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स।
Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel, and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.